हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग दोस्तों? तो दोस्तों, फाइनली अभी आज बाज़ार के लिए निकल पड़ा हूँ। और भाई, आज है ननमहर बाबा का बाज़ार और घर में ब्लॉग नहीं शूट कर पाया क्योंकि थोड़ी दिक्कत था घर पे, तो इसलिए नहीं शूट कर पाया। लेकिन दोस्तों, घर से स्टार्ट इतना रोड ख़राब जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ दोस्तों आने में, क्योंकि रोड अभी बन रहा है हमारे तरफ का, तो काफ़ी मुश्किल हुआ। लेकिन दोस्तों, इतना गट्ठर ले जब लोडे रहती है गाड़ी, जो ये जैसे मैं चलता हूँ तो ये आगे का मतलब उल्लार मारता है, पीछे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आगे बैग रखना बहुत ज़रूरी है ताकि लेवल बना रहे। लेकिन दोस्तों, इसमें बैग नहीं टांग सकता क्योंकि बारिश का मौसम है, तो कभी भी बारिश होगा जो चक्के से पानी ऊपर को आएगा तो सारा कपड़ा गीला हो जाता है। तो इसलिए अभी ऊपर मतलब आगे एक भी झोला नहीं रख रहा हूँ, सारा पीछे ही रखता हूँ दोस्तों। तो फाइनली अभी निकलते हैं दोस्तों, और आप लोगों को चलता हूँ दिखाता हूँ भाई किस तरह मैं अपना कपड़े का दुकान लगाता हूँ, किस तरह सेल करता हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहना दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलो यहाँ से फटाफट निकलते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी उठा लिया हो भैया, ऐसे नहीं निकल पाएगा हो। क्या मैंने खोल दिया? अबे ठीक है, चल गया। कहाँ हो? कहाँ गए अभी? आउगा ना करी है? हाँ, मस्त मस्त एकदम मस्त। अरे सोनी, 10 बजे आ गया का? सोनी और कहाँ हो? 12 बजे हो जाते हैं। सुबह वो खाए पी के आवत है? हम एक बार ही खाए पी के सब कुछ कह के आते हैं। तो फाइनली भाई पहुंच गया मार्केट, और अभी चलता हूँ दुकान वकान लगाता हूँ। और ये सबसे ज़्यादा बेकार बंद है तो ये दुकान वकान भाई लेके आ गया हूँ, अभी देख सकते हो गाड़ी इधर मेरी खड़ी है, ये देख सकते हो। तो हमें भाई दुकान इधर ही लगाना है, और एक बगल में मेरे मोनोचवा आ गया है, अभी देख सकते हो। चलते फटाफट अभी दुकान लगाते। और चाचू कहाँ लिया है? अब ठीक है? नहीं ठीक नहीं ना। पहले बताओ ठीक नहीं ना। पेट पिटाता है? जुलाब खा ले एक ठू। जुलाब खा ली, लाओ दिया। ये यही मैं निकाला मैंने, यही मैं बची गया भाई। चाचा की दुकान है, देखो कितना मस्त सजा के रखी है, और सारा टोटल ड्रेस है भाई। तो दोस्तों, फाइनली अभी गाड़ दिया अच्छे से, अभी बस दुकान लगाना बाकी है। और अभी मैं ना बाकी रह गया क्योंकि सब कुछ अच्छा गाड़ दिया हूँ, तो अभी कपड़ा निकालने बिछाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हल्का सा टाइम देखेंगे, थोड़ा बहुत बारिश का भी समय दिखा रहा, तो थोड़ा सा रुक जाएंगे 10-5 मिनट, उसके बाद दुकान को लगाएंगे भाई आराम से। तो भाई फाइनली भी दुकान पर लगा के बैठा हूँ आराम से। और भाई अभी बारिश तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी लगभग सभी की कस्टमर भाई की दुकान लग गई है। तो अभी देख सकते हो भाई मार्केट का इस तरह हाल है कुछ ननमहर बाबा का। तो भाई चलो इंतज़ार करते हैं कस्टमर का, भाई देखता हूँ कुछ सेल होता कि नहीं होता है, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सारा अभी अच्छे से दुकान लगाते हैं, और एक झलक आपको दिखाता हूँ भाई। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हो भाई कितना मस्त सजा दिया हूँ भाई, और जितना भी खुला कपड़ा था सारा एक एक करके मस्त एक एक पीस बढ़िया से तह लगा के टांग दिया हूँ, ताकि कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगे। और जब आपकी दुकान अच्छे से सजी रहेगी, कस्टमर भी अच्छे से भाई आएंगे कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि जब दुकान अच्छा नहीं लगेगा तो कोई भी सोचेगा कि कबाड़ रख गया है। तो इसलिए भाई देख सकते हो अभी बैग में सारा जीन्स और आधा कपड़ा रखा हुआ, क्योंकि मौसम ख़राब है इसलिए बाहर नहीं निकाला हूँ इसको, तो जैसे जैसे उसे टांग के रखा हूँ। तो चलो अभी देखता हूँ भाई कस्टमर आते कि नहीं आते,
और कस्टमर आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि अभी बाहर देखते तो कितना भीड़ लगा हुआ है। ऐसे धीरे धीरे कस्टमर आते रहते और ऐसे बिकता रहता है। तो दोस्तों अभी स्टार्ट तो अभी मेरा कपड़ा ले लिया है, क्योंकि भाई इनकी माँ काफी बहस कर रहे थे, भाई मुझे 150 की कुर्ती चाहिए, लेकिन दोस्तों 150 का हमारा खरीद नहीं पड़ा, तो कहाँ से 150 का देंगे। तो अभी जो भी बिकना था 3-4 कपड़े बिक गया, और वही ये भी चली गई थी वापस, क्योंकि अभी फिर रिटर्न लेके आई हैं, तो इन्होंने बोला भैया सही से रेट लगा लो, हम भी ले लेते हैं। तो जब पूरे बाजार में घूम के आई, जो रेट का मैं दे रहा था उस रेट का कहीं नहीं पाई, तब लौट के मेरे पास फिर आई हैं और इनको अभी कुर्ती मैं दे दिया हूँ, क्योंकि भाई ये माँ बेटी हैं, गरीब घर की हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ चलो 10-20-40-50 जो भी मिलता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? तो फाइनली दोस्तों मार्केट से आया दोस्तों, उसके बाद रात को मौसम थोड़ा ख़राब था, इसलिए रोड भी ख़राब था हमारे यहाँ का, तो फटाफट सामान को उतार दिया, उतार के रख दिया दोस्तों, क्योंकि भाई बादल वहीं पे चढ़ा हुआ था। तो सुबह में भी बारिश बहुत हो रहा था, लेकिन दोस्तों आजकल का मार्केट बहुत शानदार था, और ननमहर बाबा का बाजार भाई हफ्ते में एक दिन लगता है, और काफ़ी अच्छा सेल हुआ। और कल का सेल तो आप लोगों को यकीन नहीं मानोगे, हमारा जब दुकान स्टार्ट हुआ था 5:30 या 4:15 बजे, उसके बाद भाई 1 घंटे का सेल मात्र हुआ था, और लोग तो काफ़ी अच्छा सेल कर रहे थे, क्योंकि भाई अभी हमारा थोड़ा सा डर भी लगता है हमको बारिश के मौसम में, कहीं मतलब अचानक बरसात ना होने लगे, तब हमारा दुकान थोड़ा सा नीचे है, और जिसकी जिसकी दुकान दोस्तों ऊपर है वो मिट्टी डला के रखा है, उसकी मतलब सारा आइटम बाहर निकाल के रखा था। हम तो आप लोग देखे होंगे एक बैग में जींस और कपड़ा तुच्छ उसी में पैक ही था, बस थोड़ा ही आइटम निकाला था, जो टंगा हुआ था बस उतना ही दिख रहा था। लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार सेल हुआ और बहुत अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि भाई मार्केट में अगर 4,000-5,000 का सेल होता है ना तो बहुत गजब हो जाता है दोस्तों उस दिन। तो अभी सीजन चल रहा है कपड़े का, तो काफ़ी अच्छा सेल था और बहुत मज़ा भी आया सेल करने में। तो दोस्तों अगर कोई इसी को भी अगर कोई भी सवाल पूछना है या कुछ भी अगर कहना, तो आप कमेंट में जरूर जाके बताइए। लेकिन दोस्तों फेरी का काम या मार्केट में कपड़े काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं भाई कि आप दुकान में बहुत सारा आइटम भरा लो या फिर फेरी में थोड़ा बहुत आइटम रख लो तो अच्छा खासा उसका मोटी दिहाड़ी बन जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा कुछ दिन तक, जब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों जब आप इस लाइन में अच्छे से मालूम चल जाएगा भाई कपड़ा किस तरह सेल करना है, किस तरह कस्टमर मांग रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना 4 गुना हो जाता है। कोई भी कपड़ा अगर लाते हो अगर 100 रुपये का, तो उसको आपको पता है कि हम इतने के बेच देंगे, और इस 100 रुपये में कितना कमाना है वो हमारे ऊपर होता है। इसलिए वो दोस्तों कपड़े में कोई मतलब अनुमान नहीं लगा सकते कि एक कपड़े में कितना रुपए कमा सकते हैं। लोग बताते हैं कि 25% रखना चाहिए दाम, 50% रखना चाहिए, डबल रखना चाहिए, तिबल रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपके अंदर कला है ना, तो कहते नहीं कला इतने हैं, अगर आपके अंदर कला है ना तो रद्दी से रद्दी और खराब से खराब चीज आप बेच सकते हो और बहुत आसानी से। तो बस मार्केट में यही आपको चालाकी करना है कि हम अपने कपड़े के या अपने सामान को किस तरह बेचें ताकि कस्टमर हमसे लौट के न जाए और मतलब खुश होके जाए। तो बस यही आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। कस्टमर क्या होते हैं कि बहुत कस्टमर आते हैं लेने के लिए, लेकिन उनका मन नहीं होता लेने में जब कपड़ा, लेकिन अगर आपकी बात करने का तरीका सही है, आपका नियम कानून जो भी बताते हो कपड़ा ऐसा है वैसा है, अगर उसको अगर दिमाग में अगर कस्टमर घुसा दोगे तो 100% 100 वाली चीज 150 में बेच दोगे, 200 में बेच दोगे, 300 में बेच दोगे, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा भी हो और बेचा भी हो। जो चीज पे अनुमान नहीं लगा सकता कि हम 500 वाला कपड़ा 1,000 में या 1,500 में बेच सकते हैं, और मार्केट में बैठे हुए लोग बेच रहे हैं और बहुत अच्छा मुनाफा खा रहे हैं भाई। ऐसा नहीं है कि हम आपको मतलब पूछी पुछाई बात बता रहे हैं कि हम इधर जाके पता करते हैं उधर जाके पता करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम खुद वो काम करते हैं और हमें खुद पता है भाई कि मार्केट में किस तरह अच्छे से दिहाड़ी पा सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तब तक के चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।